फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास रेमेडी लाई हूँ। इसके इस्तेमाल से अगर आप इसको अपने फेस पर इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके रिजल्ट को देखकर आप चकित रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन इतनी गोरी, इतनी सुंदर, इतनी चमकदार कैसे हो गई है। अभी 5 मिनट पहले आपकी स्किन कैसी थी और अब आपकी स्किन किस तरह की हो गई है। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये मैंने खुद ट्राई किया है और आप प्लीज इसको जरूर ट्राई करके देखिए। ये इसको हर स्किन वाला ट्राई कर सकता है। बहुत ही आसान रेमेडी है, आप इसको यूज आराम से कर सकते। फ्रेंड्स, इससे आपका फेस इतना गोरा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई वीडियो आप हमारी मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, सुंदर और खूबसूरत दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, उसके लिए ये कोई बुरी बात नहीं है। इसको हर कोई ट्राई कर सकता है, ये आपका हक है कि आप अपनी खूबसूरती को और खूबसूरत बनाएं, लेकिन उसके लिए हमारी जेब इजाजत नहीं देती। लेकिन आज जो मैं आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ती से भी सस्ती है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉफी ली है। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉफी आप कोई भी कॉफी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉफी ली है। इसके लिए हमें चाहिए नींबू। इसको हमें 2 भागों में काटना है, बराबर बराबर। हमने इसको 2 भागों में काट लिया है। फ्रेंड्स, अगली चीज जो हमें इसके अंदर चाहिए, कॉफी के अंदर जो हमें अगली चीज जो ऐड करनी है वो है चीनी। अच्छे से अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसके अंदर आधा चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। फ्रेंड्स, अब हमें इसके अंदर चाहिए आधा चम्मच एलोवेरा जेल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिनुस्का हमारा तैयार है। अब आपको इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है तो ये उनको भी छूमंतर की तरह रिमूव कर देगा। फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ट्राई जरूर करके देखिए। आप इस नुस्खे को हमेशा के लिए अपने अपना बना के रख लेंगे। आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये आपको इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट देगा कि आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे और आप दूसरों को भी यही बताओगे कि ये नुस्खा बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम आपको बता दें आपको इसे किस तरह से अप्लाई करना है। ये हमें इसके आधे नींबू की जरूरत होगी। इसको हमें लेकर इस तरह से करना है। ध्यान रहे कि चीनी भी इसके ऊपर अच्छे से आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने नींबू पर अच्छे से चीनी और इस पेस्ट को लगा लिया है। अब मैं आपको इसे अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट मेरे हाथ पर आ गया है। आपको इसे 5 मिनट तक स्क्रब करना है। हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है। फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा ग्लो आपको पहली बार में ही दिख जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपके रोम छिद्र में जो गंदगी भरी होगी उसे भी रिमूव करेगा और चेहरे पर जो छोटे छोटे दाने वगैरह होंगे उनको भी साफ कर देगा। आप इसको रेगुलरली आराम से यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, अब अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है मेरे हाथ पर। पहली बार यूज करने पर ये रिजल्ट आया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर चीनी का यूज क्यों किया है, क्योंकि चीनी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण काफी मात्रा में होते हैं। चीनी को इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को सॉफ्ट और टॉक्सिन फ्री बना सकते हैं। फ्रेंड्स, लेमन में विटामिन सी, बी, फॉस्फोरस और कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। इसका अम्ल त्वचा के लिए बहुत अच्छा और खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नींबू मृत कोशिकाओं को हटाता है और बढ़ती हुई उम्र के चिन्हों को रिमूव करता है। एलोवेरा जो है हमारी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है जो त्वचा झुर्रियों और झाइयों को हटाकर चेहरे पर एक नया ग्लो लाती है। तो फ्रेंड्स, आप खुद ही सोच सकते हैं जब ये इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जब एक साथ मिल जाएंगे तो कितना अच्छा असर ये हमारी स्किन पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी रेमेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।